और इसलिए मैं आज यही कहूंगा कि भले हम इन चार दीवारों से निकल रहे हैं, लेकिन इस अनुभव को राष्ट्र के सर्वोत्तम हित के लिए चारों दिशाओं में ले जाएं, चारों दीवारों में पाया हुआ चारों दिशाओं में ले जाएं, ये हम सबका संकल्प रहे और हमारी ये भी कोशिश रहे कि सदन में अपने कालखंड में जो महत्वपूर्ण चीजें हमने कंट्रीब्यूट की हैं, जिसने देश को शेप दिया, देश की दिशा को मोड़ा है, मैं चाहूंगा उन स्मृतियों को आप कहीं न कहीं शब्दबद्ध करें, कहीं न कहीं लिखें, ताकि कभी न कभी वो आने वाली पीढ़ियों को रेफरेंस के रूप में काम आएगी। कहीं पर भी हम बैठे हो, यहां हो या वहां हो, लेकिन हर एक ने अपने तरीके से कुछ न कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन किया होगा जिसने देश को दिशा देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। इसको अगर हम संग्रहित करेंगे, मैं समझता हूं कि ऐसा मूल्यवान खजाना हमारे पास काम आएगा जो आने वाले लोगों के लिए काम आ सकता है, यानी एक इंस्टीट्यूशनलाइज व्यवस्था के तहत उसका उपयोग हो सकता। उसी प्रकार से मैं ये भी चाहूंगा, ये आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी के 75 साल हुए हैं, हमारे महापुरुषों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया, अब देने